पारिवारिक कलह के चलते बाथरूम में पिस्टल से गोली मारकर की आत्महत्या। मृतक सोनालिका ट्रैक्टर एजेंसी संचालक का पुत्र बताया जा रहा है। एक माह पहले ही उसकी मैनपुरी जनपद के कुसमरा गांव से हुई थी शादी। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस सबको कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें, इटावा जनपद के थाना फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के अंतर्गत अशोक नगर के रहने वाले युवक निखिल ने अपने घर के अंदर बाथरूम में पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है, युवक की एक माह पहले शादी हुई थी। पत्नी मायके में रह रही थी। इस मामले में एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया है कि फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के अशोक नगर में 30 वर्षीय युवक निखिल यादव ने पिस्टल से अपने घर के बाथरूम में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। इस मामले में पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, फ्रेंड्स कॉलोनी थाना अंतर्गत जनपद इटावा में एक अशोक नगर मोहल्ला पड़ता है। इसमें निखिल यादव नाम का एक लड़का है, 28-30 साल का। अभी उसकी एक महीने पहले शादी हुई थी। संज्ञान में आया कि बाथरूम में उसने जो है अपने आप को गोली मार लिया है और मौके पर पिस्टल पड़ी हुई है और पुलिस हमारी पहुंच गई है। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के विधि कार्रवाई की जा रही है और बाद पोस्टमार्टम जो भी विधि कार्रवाई और भी होगी वो भी अमल में लाई जाएगी। साथ ही साथ अभी इसके जो कारण हैं अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। पारिवारिक विवाद ही प्रथम दृष्टया बताया गया है कि पारिवारिक विवाद था, जिसकी वजह से इसने अपने आप को गोली मार लिया है।